नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिनफो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं बेस्ट सेटअप बॉक्स यानी डीडी फ्रीज का सबसे अच्छा सेटअप बॉक्स। दोस्तों यहां मैं आपको एक बहुत अच्छी कंपनी है लिपल का है और यहां जो सेटअप बॉक्स है बहुत फुल एचडी है और इसमें दोस्तों रिकॉर्डिंग कार्यक्रम भी आप इसमें देख सकते हैं और डोंगल की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों फुल एचडी है और 1080p है और यहाँ डीएलएन सारी चीज़ें यहाँ सपोर्टेड है। बात करते हैं एलआर 26 वॉट है और यहाँ आप देख सकते हो इस रिसीवर के अंदर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी एक तकनीक है जिसमें S265 HEVC का है। जो दोस्तों ये जो तकनीक है ये जल्द ही आपके सेटअप बॉक्स में लॉन्च होने वाली है। यहाँ दोस्तों इसके ऑप्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ इसके ऑप्शन वगैरह आप पढ़ सकते हो। इसमें दोस्तों थोड़ा सा वार्निंग वगैरह भी दिया गया है कि अगर आप इस सेटअप बॉक्स में सॉफ्टवेयर करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर जो सेटअप बॉक्स है डेड हो सकता है और ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप बॉक्स है। यहाँ दोस्तों मैंने इस सेटअप बॉक्स में 2 सेटअप बॉक्स परचेज किए हैं। कॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों कॉस्ट में आपको आगे बताऊंगा, तो सबसे पहले इस सेटअप बॉक्स के अनबॉक्सिंग देख लीजिए। मेड इन इंडिया है और यहाँ पैकेट को हम खोलते हैं तो हमें जो एडोप्टर वगैरह देख लीजिए, क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का आपको बहुत ही अच्छा एक एडोप्टर मिलेगा। यहाँ आपको HDMI केबल मिल पाती है इस तरह की। ये आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा जो बहुत ही बेहतरीन है, इस टाइप का रिमोट कंट्रोल है, ये देख लीजिए। अब लेते हैं दोस्तों सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स की जो क्वालिटी है इस तरह की पैकिंग में आती है और बहुत ही बेहतरीन मुझे सेटअप बॉक्स लगा था। ये देखिए यहाँ पैकेट को हम खोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सामने के फ्रंट की बात करते हैं तो सामने का जो फ्रंट है आपको यहाँ बटन वगैरह है और यहाँ डिस्प्ले है, ये कंपनी का लोगो है। साइड की बात करते हैं तो साइड में इस टाइप का है और यहाँ जो USB की बात करेंगे तो यहाँ USB पोर्ट है, यहाँ LMB इनका है, HDMI पोर्ट यहाँ पे है और 3 आर्चर केबल का पोर्ट यहाँ पे और एडोप्टर यहाँ पे लगेगा। इसमें दोस्तों USB का एक ही पोर्ट है क्योंकि यहाँ जो वाईफाई डोंगल की बात करते हैं तो वाईफाई डोंगल इसके अंदर ही है, इसलिए एक पोर्ट आपको एक ही USB पोर्ट मिलेगा क्योंकि 2 पोर्ट आते हैं, एक आपको पेन ड्राइव के लिए और एक USB के लिए। यहाँ आपको USB जो वाईफाई डोंगल लगाने के लिए वो इसके अंदर ही फिट है तो आपको एक ही USB यहाँ मिल पाता है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप बॉक्स है और इसमें YouTube वगैरह सब कुछ यहाँ चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के बारे में आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।